डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक नेतृत्व, इसका पहला हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ए लीडरशिप स्टाइल इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक ए पार्टिसिपेटिव रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लोकतांत्रिक नेतृत्व वो नेतृत्व की शैली है जिसमें समूह के सदस्य निर्णय बनाने की प्रक्रिया में सहभागी भूमिका निभाते हैं। सहभागी मतलब साथ साथ निर्णय लेते हैं, उसको लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व वह नेतृत्व शैली है जिसमें समूह के सदस्य निर्णय बनाने की प्रक्रिया में सहभागी भूमिका निभाते हैं। जो सुप्रीमो शैली होती है, सुप्रीमो लीडरशिप होती है, वो तानाशाह होती है, और वो जो है वन मैन आर्मी होती है, वो अकेले निर्णय लेती है अपने समूह के सदस्यों को या अपने कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ कोई विचार विमर्श नहीं करती है, ऊपर से उसको निर्णय को थोप देती है। तो इसी को कहा गया है सुप्रीमो नेतृत्व शैली और तानाशाह नेतृत्व शैली। लेकिन लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में ये नहीं होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में जितने भी कार्यकारिणी के लोग होते हैं, समूह के सदस्य होते हैं, सब निर्णय बनाने की प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, यानी साथ साथ निर्णय लेते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक नेतृत्व को सबसे अच्छा माना गया है लेकिन हमारे मूलवासी बहुजन में लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं है। यहाँ सुप्रीमो नेतृत्व है, तानाशाह नेतृत्व है, बड़े बदमाश हैं। कहते हैं कि हम तानाशाह इसलिए हैं कि हमारी रणनीति है, हम जो है दांव पेच लगा रहे हैं। ऐसे बदमाश सुप्रीमो और तानाशाह नेता हमारे मूल निवासी बहुजन में पैदा हो गए हैं, इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन का कबाड़ा हो रहा है। इट इज आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव आर शेयर्ड लीडरशिप इसको जो है इसीलिए सहभागी नेतृत्व कहते हैं या फिर साझा नेतृत्व कहते हैं। शेयर्ड लीडरशिप मतलब साझा नेतृत्व, पार्टिसिपेटिव मतलब सहभागी नेतृत्व, मतलब इसमें लोग मिलजुल करके निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है सहभागी, पार्टिसिपेटिव सहभागी, और शेयर्ड लीडरशिप मतलब साझा नेतृत्व। इसी लोकतांत्रिक नेतृत्व को इसीलिए ये भी कहते हैं, पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं और शेयर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। और सुप्रीमो वन मैन आर्मी होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लोकतांत्रिक नेतृत्व की शैली आपसी सम्मान पर आधारित होता है। यानी जो लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है वो अपने सहयोगियों का सम्मान करता है। हमारा जो सुप्रीमो है, तानाशाह है, जो सहयोगी है, उनको जो है चप्पल जूते से मारता है। किसी ने अगर सिर उठाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की या कुछ पूछने की कोशिश की, उसको गद्दार कह देता है। किसी को चोर कह देता है, किसी को बलात्कारी कह देता है, मतलब कोई आरोप लगा देता है। इतना बदमाश होता है सुप्रीमो नेता इतना बदमाश होता है। तो वही कहा गया है कि द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब होता है आपसी सम्मान। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व की शैली आपसी सम्मान पर
आधारित होता है। तो इसी लोकतांत्रिक नेतृत्व की जरूरत आज मूल निवासी बहुजन को है। हजारों साल से गुलाम रहा है, जुल्म अत्याचार से पीड़ित रहा है, तो उसको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उसका सम्मान करे, तभी उसका मनोबल बढ़ेगा, संगठन में अच्छे से काम करेगा, तो संगठन में सिनर्जी पैदा होगी। The word democracy means run by the people. लोकतंत्र शब्द का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र शब्द का मतलब है लोगों द्वारा संचालन करना। The word democracy means run by the people मतलब लोगों द्वारा संचालन करना, यानी संगठन का संचालन लोग मिलकर करते हैं। We the people of India, हम भारत के लोग इस भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को संचालित कर रहे हैं। We the people of, अब कोई राजा रानी नहीं है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए सबकी नसबंदी कर दी। अब जो है लोहे के बक्से से राजा शासक पैदा होगा। तो लोकतंत्र शब्द का मतलब है लोगों द्वारा संचालन करना। ये जो सुप्रीमो तानाशाह होता है, बदमाश होता है, वो वन मैन आर्मी बनकर के संगठन का संचालन करता है। इसीलिए मूल निवासी बहुजन का जो 90% आबादी हमारे भारत देश में है, उसका कबाड़ा हो रहा है। और आज अग्निपथ लगा दिया, अग्निवीर लगा दिया मोदी जी ने, तो केवल इसीलिए लगा दिया, उनको पता है ये बदमाश हैं, इनके बीच में सुप्रीमो नेता हैं, किसी काम के नहीं हैं, जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, कुत्ते हैं, इनको हड्डी का टुकड़ा फेंक दो बस, ये हड्डी नोचते रहेंगे। आम जनता को जितना जुल्म अत्याचार करना है उस पर करते रहो, चाहे बुलडोजर चलाओ, चाहे अग्निपथ लगाओ, चाहे अग्निवीर लगाओ, चाहे नई एजुकेशन पॉलिसी लगाओ, चाहे जो है EVM लगा दो, कोलिजियम लगा दो, लेटरल एंट्री लगा दो, जो लगाना लगा दो, लोकतंत्र की हत्या कर दो, संविधान की हत्या कर दो। ये इसीलिए हो रहा है कि हमारे मूल निवासी बहुजन को लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। और ये जो इनके बीच में नेता हमारे बीच में हैं, सुप्रीमो हैं, तानाशाह हैं, जंगली जानवर हैं।